नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची आपका चलते चलते चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़ के बारे में। जी हाँ, जिसे हम पीवीडी भी बोलते हैं। ये एक धमनियों से आर्टरी से रिलेटेड बीमारी है और धमनियों की सबसे मेन प्रॉब्लम्स में ये वाली बीमारी आती है। इस बीमारी में मेनली क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती है, हमारी जो धमनियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और कभी कभी तो इसकी सीवियर कंडीशन में ब्लॉकेज भी आ जाता है धमनियों में। चलिए अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी में मेनली क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, उनके इनर भाग में, उनके अंदर के भाग में वसा जम जाती है, फैट का स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो वो छोटी हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा हो जाता है। इसके स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट होता है तो उससे क्या होता है कि जब हम लोग ज़्यादा चलते हैं या फिर जो सीढ़ियाँ चलते हैं उनके वजह से हमारे पैरों में और या फिर कुल्हों में हमारे दर्द हो जाते हैं, कई बार पैर सुन्न हो जाते हैं, पैरों के जो मसल्स होती हैं उनमें भारीपन आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे इन सब कामों को करने के लिए, वर्क करने के लिए हमें जो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है, वो हमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉब्लम उन व्यक्तियों में ज़्यादा होती है जिनमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है या फिर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। एक्चुअली उन व्यक्तियों में फैट या लिपिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिस जो कि हमारी धमनियों को ब्लॉक कर देती है, उनको छोटा कर देती है। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताती हूँ कि अगर आपको कोई ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको पीवीडी की प्रॉब्लम है तो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। उसके साथ ही साथ सबसे पहले अपना अल्कोहल बिल्कुल आप त्याग दीजिए, आपको अल्कोहल को बिल्कुल नहीं छूना है। दूसरा, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि धूम्रपान जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट इस पर कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको व्यायाम करना चाहिए, स्पेशली वॉकिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। दूसरा, आपको अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए, अपने पैरों का ख्याल रखना चाहिए। अपना ब्लड प्रेशर हाई मत होने दीजिए, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, रेगुलर अपना बीपी चेक कराते रहिए। अगर हाई होता है तो अपने चिकित्सक से परामर्श कर कोई भी दवाई लेकर उसको नॉर्मल आप ला सकते हैं। दूसरा, आपको वसा युक्त चीज़ें नहीं लेनी है, जो कि फैट से जो बनती हैं या फिर लाइक जो तली भुनी चीज़ें हैं जिनमें फैट ज़्यादा होता है, हैवी चीज़ें होती हैं, उनका सेवन आपको बिल्कुल बंद कर देना है। खाने के साथ साथ अपने टमाटर, चुकंदर, प्याज, इन सब का आप कुछ सलाद लीजिए। दूसरा, खूब सारा पानी पीजिए, दूध पीजिए, दूध से बनी हुई चीज़ें खाइए, पनीर, दही, ये सब इन सब का आप सेवन कर सकते हैं। अपने भोजन में विटामिन को शामिल कीजिए, विटामिन ई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। दूसरा, दालों को शामिल कीजिए, दालें भी काफ़ी इफेक्टिव होती है, स्पेशली उड़द की दाल काफ़ी ज़्यादा पीवीडी में इफेक्टिव होती हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आप जो ये आपकी समस्या है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, फिर भी अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो ये बाद में जाकर बड़ी भी हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दे सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी जो तकलीफ़ है उसको कम कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।